आज सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह का 550वां अवतार दिवस देश भर में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। हरिद्वार में इस मौके पर श्री पंचायती निर्मल अखाड़े द्वारा ग्राम एकड़ कला में धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले अखंड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत महंतों ने गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर अखाड़े के कोठारी महंत जसविंदर सिंह ने बताया कि आज अखाड़े द्वारा गुरु गोविंद सिंह का 550वां अवतार दिवस श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। उन्होंने उनके बलिदान को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की तरफ से श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 550वां अवतार दिवस जो है बहुत ही श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है। उनके श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी इस संसार में जब ना आते तो इस समय इस भारत का नक्शा कुछ और होता। ना कहूँ आपकी, ना कहूँ आपकी बात, कहूँ मैं आपकी, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। इसलिए सभी लोग श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को श्रद्धा भावना प्रकट करने के लिए आज निर्मल अखाड़े में पधारे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत ज्ञानदेव महाराज ने भी गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए खालसे को शस्त्र पकड़ाया। जन्मोत्सव मना रहे हैं क्योंकि अपने देश, अपने जाति, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खालसे को जो उन्होंने शस्त्र पकड़ाया और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, समाज कल्याण के लिए उन्होंने निर्मल संप्रदाय को जो है शास्त्र प्रदान किया। तो आज हम श्री गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मोत्सव, लोकाशोत्सव श्री निर्मल पंचायती अखाड़े में मिलकर के। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।